बना सकता हूँ अंबानी वेडिंग ढूंढना जस्टिन बीबर या दिलजीत दोसांझ। जब मैंने इसको देखा था तो मैं पागल हो गई थी और मैंने इतनी चीखें मारी है मेरा गला खराब हो गया था अगले दिन। अच्छी लगने लग पड़ी हूँ ना अब मैं, कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। जस्टिन बीबर। कज़न मिसिंग मोर देन जस्ट योर बर्ड। अगर आपकी इजाजत हो तो एक रैपिड फायर है कर रहा हूं आपके साथ में, हम लोग करना चाहेंगे इनको रेडी हो रैपिड फायर कर लें। ठीक है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप लोगों का भी एनर्जी आप लोगों को चाहिए होगी, तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन और सपोर्ट रहेगा लोगों के लिए। हल्की सी आवाज है, बहुत ही हल्की सी आवाज है। लेट्स गो। अगर मैं आपसे कहूं अंबानी वेडिंग जस्टिन बीबर गुड फ्रेंड इतना राजकुमार राव टैलेंटेड एक्टर यस आपके साथ काम भी करना यस एक डांस नंबर किया है। ऑलराइट बादशाह इट्स योर बॉय बादशाह। छोले कुलचे या वड़ा पाव? वड़ा पाव। ये थोड़ा बॉम्बे नहीं मुंबई, मुंबई मुंबई का खाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो अच्छी लगने लग पड़ी हूँ ना अब मैं, कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, पहले भी अच्छी थी लेकिन मुझे खुद को मैं अब अच्छी लगती हूँ। थैंक यू। ओके सिंपल वेडिंग या धूमधाम वाली शादी? भाई बताओ मेरी सिंपल वेडिंग होनी चाहिए या धूमधाम से? धूमधाम। ओके दिल्ली का खाना या पंजाब का खाना? बताओ दिल्ली बोले या पंजाब? पंजाब का खाना। सेटल हो गया। ओके जो मुझे लगेगा कि ये मेरे साथ वाइब मैच होगी इनकी मैं तभी पूछूंगी इनको। क्या बात, क्या बात। पंजाबी ओके सिनेमा या ओटीटी? मुझे लगता है मेरी फिल्म आनी चाहिए, ओटीटी पे आए या सिनेमा पे आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। ओके मेकअप लुक या नो मेकअप लुक? आई थिंक दोनों चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम वेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गरम मसाला या शुगर? दोनों नहीं लेकिन मैं आपसे कहा आपको एक चूज करना पड़ेगा। देखो मुझे दोनों ही पसंद है और मुझे लगता है दोनों ही हमारे पंजाब को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पंजाब की शान है, तो मैं दोनों का गाऊंगी। कई बार मैं उनके गाने सुनती हूँ, कई बार मैं उनके गाने सुनती हूँ, तो मैं मिक्स करके सुनती हूँ दोनों को, तो आई कांट चूज। सुषमा जी क्या बात कर रहे हो, आपकी टांगे भी हिल रही। आप मुझे लगता है आप आपका ज्यादा मुझे लग रहा है आपके लिए इमोशनल है। यस बिकॉज़ मुझे मुझे अंदाजा है कि आपके जो इमोशन जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ। अच्छा इस वजह से है। चलो पूछो कौन है। जस्टिन बीबर या दिलजीत दोसांझ? मुझसे सवाल है राजा माने जी का। आई थिंक जस्टिन बीबर। उसका रीजन ये है कि जब मैंने इसको देखा था तो मैं पागल हो गई थी और मैंने इतनी चीखें मारी है मेरा गला खराब हो गया था अगले दिन, तो मैं और पागल होना चाहती हूँ तो मैं उसको दोबारा देखना चाहती हूँ। यस जस्टिन बीबर। कौन से गाना आपको सबसे पसंद है? सॉरी है, इंटेंशंस है, बेबी है, बॉयफ्रेंड है, काफी सॉन्ग्स है, मतलब मैं सुनती हूँ, वेयर आर यू नाउ, सब है।
But एक लाइन सुना दीजिए. Is it too late now to say sorry? थोड़ा सा आता है यार सॉन्ग. अगर अगर एनिमल पिक्चर है आपको रश्मिका मंदाना का किरदार ऑफर होता या तृप्ति किंद्री का किरदार ऑफर होता, कौन सा करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए था? आई थिंक रश्मिका का, क्योंकि मैं रणबीर कपूर की वाइफ बनना ज्यादा पसंद करती हूं. पसंद है आपको? बहुत. ओके, सो फैजान जी, अगर एक दिन आपको एक ऐसा आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि एक दिन आपको इन दोनों में से किसी एक की जिंदगी को जीना है, तो आप किसकी जिंदगी को जीना चाहेंगे? काइली जेनर या सेलेना गोमेज? सेलेना गोमेज, शी इज वेरी रिलेटेबल. आपको सूट ज्यादा पसंद है या वेस्टर्न ड्रेस? आई थिंक मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं दोनों अच्छे से कैरी करती हूँ. और सूट इज लाइक मेरे लिए मोर कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे नाइट वेयर वाली फीलिंग देता है. और ऐसे सूट आज कैसे लग रही है? सिंपल लग रही. ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि आप उस लेवल की एक्ट्रेस आप बनना चाहती हैं? स्टार बनना चाहती हैं? बॉलीवुड में नाम लेना है? प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा, ऑलराइट. ओके, ट्रू हाउस पे एक बार हम लोग फिर से. शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े इंडियन स्टार हैं, बताओ? कभी मुझे मन करता है अपने ट्रोल को माँ बहन की गाली देने का. माँ बहन की तो बहुत छोटी गालियां हैं, मैं इससे भी गंदी वाली आती है मुझे. ट्रोल से कैसे डील करती हैं? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए डील, क्योंकि अगर मैं डील करने पे आई तो मैं उनके ऊपर का लेवल हूँ. मुझे लगता है गंदगी में हाथ डालोगे तो तुम्हारे खुद के ही हाथ गंदे होंगे, उनका वो तो गंदे ही रहेंगे और तुम भी गंदे हो जाओगे साथ में. तो जितना दूर अच्छे अच्छे लोगों को देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, और इन लोगों को जितना अवॉइड कर सकते हो. इंस्टाग्राम डीएम में मुझे शादी के रिश्ते आते हैं? ओके, एक चीज जो आप बदलना चाहते हैं रियलिटी शोज के बारे में? अब रियलिटी नहीं रही, ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है, तो रियलिटी शो को रियलिटी ही होना चाहिए, उसमें रियलिटी ज्यादा होना चाहिए. और सोशल मीडिया के बारे में आप क्या बदलना चाहते हैं? तो मुझे लगता है मैं जो फेक अकाउंट्स है जो हमारी डीपी यूज करते हैं और फिर हमें गालियां देते हैं, मैं वो हटा के उनकी ओरिजिनल आईडी विद देयर ओन डीपी, मुझे लगता है उनकी फिर गालियां दो मैं अलाउ करूंगी. तो ये मैं चेंज करना चाहती हूँ सोशल. ओके सुषमा जी, ऐसी फिल्म जो आप विश करती हैं आपने की हो? ऐसी कौन सी फिल्म है जो मैं विश करती हूँ मैंने की होती, जो आ चुकी है? क्या हम दिल दे चुके सनम? कुछ भी. जब भी मैट और कुछ चमकीला, राइट, 100% मुझे ऐसे फील होता है कि चमकीला अगर मैं करती तो मुझे मजा आता बहुत ज्यादा. उसका रीजन बता देती हूँ आपको, क्योंकि उसमें सिंगिंग भी थी, एक्टिंग भी थी, और ऊपर से किसी पंजाब का कैरेक्टर था. नहीं अच्छा तो प्रणीति चोपड़ा ने भी फाड़ा है, बट आई थिंक मैं भी अच्छा करती हूँ. क्या बात. ओके फाइनली शनाजी, अगर आप इन सेलिब्रिटीज को एक सवाल पूछना चाहें तो आप इनसे क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा ओके, आप सोनम कपूर का क्या पूछना चाहेंगे? सोनम कपूर को मैं ये पूछूंगी कि तू आप कौन सी मार्केट से कपड़े खरीदते हो, हमने भी खरीदने हैं वहां से. ऑलराइट, कोई सस्ती वाली बताना प्लीज. अच्छे कपड़े पहनते हैं? बहुत बहुत ज्यादा. रणबीर कपूर से कोई सवाल आप पूछना चाहें कि आप सारी लड़कियों का क्रश क्यों हो? आप इस ऐसा क्या है आपके अंदर? मतलब मुझे तो पता है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर जानने के लिए. बहुत बहुत पसंद है रणबीर कपूर. सी, रणबीर कपूर इज वेरी टैलेंटेड, क्रिएटिव,
और जो भी किरदार वो करते हैं मुझे लगता है उसमें जान डाल देते हैं, और उनमें ना सब कुछ है, उनकी मतलब शक्ल भी बहुत अच्छी है, ही इज वेरी हैंडसम, तो भगवान ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। ओके, रणवीर सिंह से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। रणवीर सिंह से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में इतनी एनर्जी क्यों है, कैसे है, मुझे बताओ। ये तो आपके ज़हन में भी है कि रणवीर सिंह से पूछ एनर्जी क्या है। ओके, दीपिका पादुकोण से क्या पूछना चाहिए? दीपिका पादुकोण से मैं ये पूछूंगी कि आपने इतनी एनर्जी वाला कैसे पटा लिया। सलमान खान साहब से क्या पूछेंगे, बहुत पसंद करते हैं आप। सलमान सर से मैं ये पूछूंगी कि आप ये जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ कैसे डील करते हो? मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए इनको, पेशेंस चाहिए यार इनको टॉलरेट करने के लिए। बहुत तारीफ कैनाल गिल के लिए। थैंक यू।